काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा कभी भी कक्षा शिक्षण का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। वह एक सीमा तक ही क्लासरूम टीचिंग के बदले में कार्य कर सकती है, लेकिन क्लासरूम टीचिंग का कोई मुकाबला नहीं है। विद्यार्थी भी बड़े उत्सुक थे कि विद्यालय खुलें और वो अपनी कक्षाएं ग्रहण के करें। हमारे जो भी विभाग के द्वारा SOP जारी की गई है, उसके बारे में पूर्ण रूप से बच्चों का अवगत करा दिया गया है। विद्यालय गेट पर ही टेम्परेचर की जांच की जा रही है। जिस भी विद्यार्थी का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, उसको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सभी विद्यार्थी अपने माता पिता की सहमति का पत्र लेकर के ही विद्यालय में एंटर हो रहे हैं। क्लासरूम में किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्लासरूम में सर, हमने हमारे विद्यार्थियों को बेंचेज अलॉट किए हैं। विद्यार्थियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अलॉटेड बेंच पर ही बैठें, किसी भी वस्तु को दूसरे विद्यार्थी के साथ शेयर ना करें। जैसे कि आमतौर पर बच्चों में होता है कि वो कॉपी, पेंसिल या पेन या वाटर बॉटल, यहाँ तक कि बच्चों में प्रेम है तो खाना भी आपस में मिल करके खाते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए शेयरिंग के लिए बच्चों को मना कर दिया गया है कि कोरोना के कारण शेयरिंग नहीं की जाएगी। सभी बच्चे जो हैं SOP का, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी कक्षा में बैठेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। टीचर्स के लिए वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड मांगा गया है? हाँ, टीचर के लिए विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी अध्यापक जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो जाएं। हमारे विद्यालय से भी इस तरह की सूचना मांगी गई है। हमारे लगभग सभी अध्यापक जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, एटलीस्ट सिंगल डोज तो सभी ले चुके हैं, और कुछ एक अध्यापक हैं जिन साथियों ने डबल डोज भी जो है वैक्सीनेशन की ले ली है। पहले दिन कितने परसेंट बच्चे जो हैं 6 से 10? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम शिव, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हमारा स्कूल खुला है, आज हमें बहुत खुशी हो रही है। तथा पहले ऑनलाइन क्लासेस लगती थी और ऑनलाइन क्लासों में अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते थे, और आज हमारे से भी अध्यापक आए हुए हैं और अब हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, आज हमारे स्कूल खुले हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सभी टीचर्स आए हुए हैं और हमें मास्क, सैनिटाइज़र और दूरी बनाए रखने के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हमारी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी, इससे हमें और पढ़ाई में मदद मिलेगी।